सागर जिले की ग्राम पंचायत गौरझामर के पंचों ने सरपंच सचिव पर अनियमितता और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। सरपंच सचिव की मनमानी से नाराज 16 पंच अपना इस्तीफा देने देवरी एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए सरपंच सचिव पर कई गंभीर आरोप लगाए। पंच से परेशान है, ग्राम पंचायत वाले गौरझामर में कोई काम नहीं कराते हैं, बेवजह पैसे निकालते हैं, जमाने भर के बिल डालते हैं, कहीं छप्पन सामग्री लो 300 रुपये बोरी तो 350 का बिल डालती है। क्या सरकारी पैसा इसलिए आता है कि कहीं 300 की चीज़ मिले तो 350 किलो है। पब्लिक का कुछ भला नहीं हो रहा है, जा कर कचड़ा पड़ा रहता है, और लाखों रुपये पेमेंट निकलती है कर्मचारियों की। अभी तक के रिकॉर्ड में उन्होंने 1,25,000 रुपये निकाल लिए, जिसका अभी तक 25-30 लाख का विकास भी नहीं हुआ है गौरझामर। तो जो एक घोटाले की बात आ रही थी अभी के आप 1.5 करोड़ का घोटाला, ये कैसा घोटाला? एक करोड़ सवा का मैंने 1 करोड़ के लगभग घोटाला किया है इनने। और अपन हर 3 माह में मीटिंग बैठनी चाहिए, वो भी नहीं बैठती। अपन इनसे हिसाब, जब भी मीटिंग बैठती है अच्छे के लिए तो अपन उसका हिसाब मांगते तो हिसाब देती नहीं, तो हिसाब नहीं देते मीटिंग रद्द कर देते हैं। तो आज आप लोग एसडीएम के यहाँ? हम लोग इस्तीफा देने आए थे कि हमारे लिए पंचायत में भ्रष्टाचार आदमों के साथ नहीं रहना है, हम उनके साथ अपना नाम क्यों खराब करें। हमें वार्ड वासियों ने हमारे लिए जताया किस लिए कि हमारी वार्ड का काम होगा, और हम उनसे कहते तो वो काम भी नहीं कराते, और वो काम की वजह राशि भी निकाल घप कर लेते हैं। वो जहाँ सोचते हैं कि हमारा जो खाता है बैंक में पंचायत का, वो हमारा खाता है, किसी का नहीं। किसने निकाली राशि? क्या नाम? सरपंच सचिव। क्या नाम है उनका? माने सरपंच का क्या नाम है? सरपंच का नाम बबीता विश्वकर्मा है, और सचिव? सचिव का नाम है गोविंद तिवारी। बिना सरपंच की सहमति के क्या पैसे निकलते हैं? कभी हम लोगों ने एसडीएम साहब के आवेदन भी दिया था कि बिना कमेटी के पैसा ना निकले, फिर भी पैसे पे पैसे निकलते जा रहे हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि अभी तो माने जब तक कमेटी नहीं बनती कोई पैसा ना निकले, माने आज की डेट से हम लोग ये चाहते हैं। आप लोग जनपद सीईओ के यहाँ नहीं गए? जनपद सीईओ की शिकायत की है, एसडीएम साहब के भी की है, कलेक्टर साहब के थे, कलेक्टर साहब के तरह कुछ नहीं हुआ आज की।